यार ये ग्रेविटी वाली स्टोरी तो सबको पता है कि न्यूटन बैठा था, सेब गिरा और ग्रेविटी डिस्कवर हो गई। इलेक्ट्रिसिटी के पीछे कौन सी स्टोरी है? जो बल्ब आपके घर में जल रहा है, इसका आइडिया किसी को कैसे आया होगा? कैसे सोच लिया किसी ने बैठ के कि आपके घर में फैन चल रहा होगा, एसी चल रहा होगा, मोबाइल पर वीडियो देख रहे होगे? स्टोरी नहीं पता ना, आओ पता करने चलते हैं। Can you read this word? Amber. Amber. सुना है आपने word? Actually ये Greek word है जिसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी होता है, और hopefully आपको idea लग रहा होगा इसी से फिर electricity नाम पड़ा है। तो amber is the origin of electrostatics. Electrostatics क्या है, electricity क्या है, इनके बीच में difference क्या है, हम लोग बात करेंगे। But now we are talking about the origin of the electrostatics. तो amber basically around 600 BC, काफी सारी theories थी thunderstorm को लेके, आसमान में बिजली कड़कती थी, हमें नहीं पता था क्या कॉन्सेप्ट है। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे थेल्स, वो बड़े क्यूरियस थे जानने के लिए कि क्या चल रहा है। तो उनके काफी सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, उनको कई बार हम लोग फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड्स ही बोलते हैं, क्योंकि ही वॉज द वन जिसने इनिशिएट किया साइंटिफिकली किसी चीजों को सोचने का। तो एम्बर एक मटीरियल, आई कैन से एक फॉसिल हुआ करता था जिसको उन्होंने फर के साथ में रब किया, और जब उन्होंने रब किया तो थंडरस्टॉर्म जैसा स्पार्क उनको उधर दिखाई दिया। हालांकि इसके बारे में ज्यादा डिटेल उस टाइम दुनिया को नहीं दे पाए। 1700 में बताया गया कि एम्बर किसी तरह की प्रॉपर्टी को होल्ड कर लेता है जिसकी वजह से ये अलग अलग तरह की फोर्स दिखा सकता है। नॉट इवन एम्बर, इसके अलावा कुछ और मटेरियल जैसे ग्लास रोड, प्लास्टिक रोड, इनको भी हमने डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल्स के साथ में रब करके देखा, फर के साथ, सिल्क के साथ, वुलन के साथ, और उन्होंने भी कुछ अलग अलग फेनोमेनास हमें करके दिखाए। जैसे होपफुली आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि यदि एक प्लास्टिक के कॉम को ड्राई हेयर्स के साथ रब किया जाए तो पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर पाता है। ऑन द अदर हैंड यदि ग्लास रोड को आप रब कर ले सिल्क के साथ मिले जैसे, तो वो भी पेपर को या हेयर्स को अट्रैक्ट कर पाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो थ्योरी आप लोग ने अपने बुक्स में पढ़ी है जूनियर क्लासेस में या किसी ने सामने देखी भी है, इसी से इनिशिएट हुई है इलेक्ट्रिसिटी का आइडिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसी का, यहीं से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जन्म हुआ है। चार्जेस एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट, यू कैन सी दैट, इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट। नाउ उसको जब आप मोशन में लेके आए तो वो फिर इलेक्ट्रिसिटी बन गया, जिसके जैसे करंट फ्लो कर रहा है और आपके घर में बल्ब या फैन चल रहे हैं। एनीवेज ये सारी स्टोरी यदि आपको लग रहा है कि अभी आपको समझ में नहीं आए, स्टे विद मी, हम लोग चैप्टर बाई चैप्टर, टॉपिक बाई टॉपिक स्टोरी को, कॉन्सेप्ट को और फिजिक्स को अच्छे से समझने वाले हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और पहला टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज क्या है, नाम सुनते ही दिमाग में इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, और यदि मैं तुमसे कहूं कि भाई जब चार्ज डिस्कवर हुआ था तब इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, हमारे पास डोल्टन एटोमिक थ्योरी थी जो कहती थी कि एटम सबसे छोटी यूनिट है किसी भी मटीरियल की, किसी भी मैटर की, एटम न्यूट्रल होता है। तो चार्ज का कॉन्सेप्ट जब आया तब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं थे। तो हुआ क्या था, अभी हमने बात करी ग्लास रोड रब की, पेपर अट्रैक्ट हुए, भाई उसी प्रॉपर्टी को हमने चार्ज का नाम दिया था। तो चार्ज का एक डेफिनेशन आपने लिखनी हो तो चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटीरियल वी हैव एट अर्थ, ड्यू टू विच वी कैन एक्सपीरियंस दैट फोर्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट। आपके पास एक बॉडी है, ये मान लीजिए प्लास्टिक का मार्कर है, इसको मैंने रब किया किसी कपड़े के साथ में, जैसे कि मैं इसके साथ इसको रब करता हूं और यदि पेपर को अट्रैक्ट कर पाता है, ऑब्वियसली कर पाएगा, तो ये मैं बोलूंगा कि इस पर चार्ज डेवलप हुआ है। क्या बोलूंगा, इस पर चार्ज डेवलप हुआ है। तो ऐसे चार्ज डेवलप होता था। तो ये ग्लास रोड की, प्लास्टिक रोड की जो कहानी है इसीलिए मैंने आपको इतनी बताई। आई वन बाय वन देखते जरा क्या है। चार्ज की डेफिनेशन की बात हम लोग बात करें तो इसमें हमारे पास दो बातें होंगी, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जैसे बेसिक प्रॉपर्टी जैसे मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, और इसकी वजह से फोर्स आ सकती है दो चार्ज बॉडी के बीच में, यानी कि आपको चाहिएगी दो चार्ज बॉडीज और उनके बीच में आपको दिखाई देगी फोर्स। अब भाई एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनको खुजली हुई, ये वाली खुजली नहीं, खुजली ये वाली कि भाई ये चार्ज क्या है इसके बारे में अच्छे से समझते हैं, ये जो रगड़ने से ये जो प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक ग्लास रोड से
एक ग्लास और ली, उसको रब करके लाए, रब करके लाने के बाद हमें पता था कि यदि पेपर के पास रख दूं, ऐसे पीसेस ऑफ पेपर रख दूं तो वो अट्रैक्ट करेगा इसको, फाइन। तो उन्होंने क्या करा ना, दो ग्लास रोड ली और दो ग्लास रोड को पेपर के पास में ला के रखा, तो देखा भाई क्या कि ग्लास रोड क्या करने लगी, दोनों रिपेल करने लगी, क्या करने लगी, रिपेल करने लगी। अब ये कमाल हो गया, ये पूरी साइंस की दुनिया में कमाल हो गया। पूछो क्यों? अरे पूछो यार, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही फोर्स अवेलेबल थी उस टाइम तक धरती पर, और वो थी ग्रेविटी। और ग्रेविटी का मतलब है अट्रैक्शन। यदि आप लोग अपने दिमाग को ढूंढे डेप्थ में, तो आप लोगों को भी आज तक यही लगता था कि फोर्स का मतलब है अट्रैक्शन, जब तक आपने मैग्नेट्स नहीं देखी थी। मैग्नेट्स पहली बार जब आपने देखी थी वो एक्साइटिंग आपके लिए इसीलिए थी क्योंकि वहां पर रिपल्सिव नेचर की फोर्स दिखी थी आपको। और बेंजामिन फ्रैंकलिन भी इसीलिए एक्साइट हुआ था क्योंकि दोनों ग्लास रोड ने एक दूसरे को रिपेल करके दिखाया था। दुनिया में पहली बार कोई आदमी ये देख रहा था कि कोई चीज दूसरी को रिपेल भी कर सकती है। उन्होंने सोचा चलो एक काम करते हैं, ये चीज प्लास्टिक रोड के साथ ट्राई करते हैं। प्लास्टिक रोड ले आए, प्लास्टिक रोड रखी, दो प्लास्टिक रोड ऐसे ही पेपर पीसेस के पास, और देखा भाई ये भी रिपेल करने लगी। कोई बड़ी बात नहीं, ग्लास रोड पेपर को अट्रैक्ट करता था, प्लास्टिक रोड पेपर को अट्रैक्ट करता था, दो ग्लास रखी दोनों रिपेल करी, तो भाई दो प्लास्टिक भी दोनों आपस में रिपेल करनी चाहिए। लेकिन झोल हुआ तीसरे वाले सेट में। तीसरे वाले सेट में क्या हुआ कि एक ग्लास रोड ली गई और एक प्लास्टिक रोड ली गई, पेपर के पास लाके रखा और देखा क्या, हाँ पता है तुम्हें, देखा क्या कि ग्लास रोड और प्लास्टिक रोड अट्रैक्ट करने लगे। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन एकदम एक्साइट भी हो गया था और हैरान भी हो गया था। अभी तक तो सबको ये पता था कि ग्लास रोड को रगड़ो हाई चार्ज आ गया, प्लास्टिक रोड को रगड़ो हाई चार्ज आ गया, लेकिन ग्लास पर अलग चार्ज आ रहा है और प्लास्टिक पर अलग चार्ज आ रहा है। यही कंक्लूजन भी थी इस एक्सपेरिमेंट से। यदि मैं बात करूं आपसे तो दो कंक्लूजन निकाली बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यहां से। नंबर एक, द चार्ज डेवलप्ड ऑन ग्लास रोड इज डिफरेंट फ्रॉम द चार्ज डेवलप्ड ऑन प्लास्टिक रोड। दिस एक्सपेरिमेंट, दिस सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इज फेयर एनफ टू टेल कि हां एक्चुअली में ग्लास पर प्लास्टिक पर जो चार्ज आ रहा है वो अलग अलग है। और दूसरी प्रॉपर्टी, बच्चे बच्चे को पता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यू सी द ग्लास रोड एंड द प्लास्टिक रोड रिपेल ईच अदर, वेयर एज ग्लास रोड एंड प्लास्टिक रोड अट्रैक्ट ईच अदर। ये दो कंक्लूजन बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट से आए। नाउ इट्स अ टाइम टू नेम द चार्जेस। आप सबको पता है चार्जेस दो तरह के होते हैं। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनके नाम रखे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसके पीछे उन्होंने लॉजिक दिया। लॉजिक ये दिया कि भाई देखो ऐसा है, आपके पास दो चीजें हैं, आप उनको ऐड करिए। मान लीजिए मैंने आपको एक रोटी दी, एक दूसरी रोटी दी, आपके पास कितनी रोटी, दो। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपको एक रोटी दूं और दूसरा बंदा आपको दो दूसरी रोटी दे और आपके पास जीरो रोटी दिखाई दे? अनटिल नेस कोई चुरा नहीं रहा हो आपकी रोटी, आपके पास दो ही होगी। लेकिन मैथ्स में आप देखिए, आपको प्लस फाइव दिया जाए और माइनस फाइव दिया जाए, आपके पास नेट कितना रहेगा, जीरो। नेट कितना रहेगा, जीरो। चार्ज में भी एक हानि, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज यदि कहीं पर है और ऑपोजिट नेचर का है तो नेट इफेक्ट, नेट चार्ज जीरो है। इसीलिए चार्जेस के नाम पॉजिटिव और नेगेटिव रखे गए थे। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्यारे भाई बहनों या अंकल चाचा दाई दाई दादी जो भी देख रहे हो, तो चार्जेस आर टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्यों इनके नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ऐसे रखे, यह भी फ्रैंकलिन साहब ने बता दिया। अब बात आती है आगे की कि बुक वाइज चार्जेस को कैसे हम लोग समझ सकते हैं, क्या इसकी यूनिट होती है, क्या इसका सिंबल होता है। सो यू सी, चार्ज द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल बाय विच इट एक्सर्ट्स और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। पढ़ा है आपने टेंथ में, चार्ज से मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी आते हैं, जानेंगे ट्वेल्थ में हम लोग कैसे। इसको वर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेसिकली एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स दोनों आपको मिल सके, दोनों आप एक्सपीरियंस कर सके, उसको चार्ज बोलते हैं। चार्ज को आप Q से डिनोट करते हैं गाइस, किससे डिनोट करते हैं, Q से। रिमेंबर SI यूनिट कूलम, कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है और आप सबको पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूं। साइंटिस्ट के नाम से यदि कोई भी यूनिट बनाई जाती है तो हमेशा कैपिटल में होती है, तो इसका सिंबल जो होगा वो कैपिटल C होगा। यदि बात करें इसके नेचर की तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका मतलब चार्जेस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, बात नंबर एक। बात नंबर दो, चार्जेस को ऐड करने के लिए कोई स्पेशल वेक्टर रूल की जरूरत हमें नहीं है। नाउ जैसे कि मैंने आपसे बात करी थी कि चार्जेस जब डिस्कवर हुए थे जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं थे, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हुए तो क्या बदला? तो इलेक्ट्रॉन जब डिस्कवर हुआ तो हमने पाया भाई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ये, प्रोटॉन जब डिस्कवर हुआ तो हमने पाया भाई
पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल निकला, और हमने बोला कि एक एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, जिसकी वजह से एटम का टोटल चार्ज होता है जीरो। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है प्यारे बच्चों, यदि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा हो ये माइनस ई, कितना होता है माइनस ई। प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है भाई? प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस ई। ई ई क्या है? ई वैल्यू है एलिमेंट्री चार्ज, कितना 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, कौन सा? माइनस का। प्रोटॉन पर चार्ज है प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹। अब चार्ज को जो है सारा का सारा इन पार्टिकल के टर्म्स में स्टडी करने लगे। कई बार ये भी बोला जाता है कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स मींस इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स। सो कैसे हम लोग पता करें कि बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, कैसे हम लोग पता करें कि बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है, या पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैसे डेवलप हुआ है और नेगेटिव चार्ज है तो कैसे डेवलप हुआ है? तो एक बड़ी सिंपल सी थ्योरी है इसके पीछे। क्या? जैसे कि एक न्यूट्रल बॉडी है। कैसी बॉडी है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, हैं? ऑब्वियसली है, लेकिन नंबर्स क्या है उनके? सेम। लेट जैसे कि मैंने यहां पर चार माइनस ड्रॉ किए हैं तो चार प्लस भी ड्रॉ करने पड़ेंगे। अब देखिएगा इस बॉडी का नेट चार्ज कितना हो गया भाई? जीरो। समहाउ कैसे भी यदि यहां हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि इस बॉडी ने सफर किया, तो इसके पास क्या हो गया फिर? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 एक पॉजिटिव एक्सिस में आ गया, एक्सिस ऑफ पॉजिटिव, एक्सिस ऑफ पॉजिटिव। तो हम बोलेंगे बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब होगी? जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। अब दूसरी बात तो बड़ी कहानी है, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन करा, मान के चलिए एक और बॉडी थी उसके पास भी ऐसे थे प्लस माइनस, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा, इसके पास एक माइनस एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि इसके पास एक्सेस ऑफ नेगेटिव है, तो ये वाली बॉडी क्या होगी? नेगेटिवली चार्ज होगी। तो ऐसे बॉडी पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है। नाउ जो ग्लास रोड थी या जो प्लास्टिक रोड थी उन पर कैसे आ रहा था? सेम कॉन्सेप्ट है भाई, कॉन्सेप्ट सेम है। आप क्या करते हो? रब करते हो। आपने ये लिया, ये इसको रब करना शुरू करा, रब करना शुरू करा, रब करने से आप क्या कर रहे हो? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, आप एनर्जी काम कर रहे हो आप इसमें, आपने एनर्जी दी, एनर्जी ट्रांसफर हुई किसको? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन जिसके पास एक ही काम है, चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, क्या कर रहा है? न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, जिंदगी में कुछ काम नहीं उसके पास, क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं, आए इलेक्ट्रॉन आए जी न्यूक्लियस के तरफ चक्कर लगाए जी मर गए जी खत्म। कोई इलेक्ट्रॉन शैतान भी है, कोई इलेक्ट्रॉन यू कह सकते हैं हम लोग आजादी भी चाहता है, और उसको चाहिए क्या आजादी के लिए? एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी। उसके पास पहले बस इतनी ही एनर्जी थी कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा सके, यदि उसको कोई बाहर से थोड़ी सी एनर्जी दे दे तो भाई साहब उस एटम से आजाद हो जाएगा। वो मोदी जी कहते हैं ना, हम तो फकीर आदमी है झोला लेके चल पड़ेंगे जी। इलेक्ट्रॉन कहता है हम तो हल्के से आदमी है एनर्जी लेके चल पड़ेंगे जी। तो इलेक्ट्रॉन को भाई साहब आप एनर्जी दे दो, आपने रगड़ा ना ऐसे तो आपने रगड़ के मैकेनिकल एनर्जी दे दी, मैकेनिकल एनर्जी दे दी, इलेक्ट्रॉन ने अपना झोला उठाया चल दिए जी, चल दिए जिसके पास से चल दिए, उसके पॉजिटिव आ गया, जिसके पास पहुंच गया उस पर नेगेटिव आ गया। सिंपल सी कहानी है, परेशान हो रहे बात समझ में आ गई एकदम, कोई दिक्कत किसी को? मान के चलो किसी बॉडी पे 6 इलेक्ट्रॉन घुस गए, उस पे कितना चार्ज आ गया? उस पे 6e, कैसा? माइनस का। जिसमें से निकले थे वो 6 इलेक्ट्रॉन, उस पर कैसा चार्ज आ गया? 6e, कैसा? प्लस का। समझ में आ गई बात? बिल्कुल ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, यहां से हम लोग रुक करेंगे अब चार्जेस की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। मेरे को नहीं पता कि ये दिख रहा है कैमरे में या नहीं हेडिंग, बट आप लोग डाल दीजिएगा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो क्या है प्रॉपर्टीज? तीन प्रॉपर्टी हमारे पास यहां पर चार्ज की। नंबर एक है एडिटिविटी, नंबर दो है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन इंपॉर्टेंट है बच्चा, एक नंबर का क्वेश्चन यहां से आ सकता। और तीसरा है कंजर्वेशन। एडिटिविटी, एडिटिविटी सिंपल सी बात है, एड से रिलेटेड कुछ है। क्या? किसका एडिशन? ऑब्वियसली चार्जेस का। तो ये एडिटिविटी सिंपल सी बात बोलती है कि चार्जेस कैन बी एडेड बाय यूजिंग सिंपल एल्जेब्रिकल मेथड, यानी कि इनको कोई स्पेशल रूल वेक्टर रूल वगैरह वगैरह की जरूरत नहीं है।
कुल मिलाकर हम लोग यहां से दोबारा से यही बात आपको बताना चाहते हैं कि भाई चार्ज जो होता है वो स्केलर होता है, इसको जोड़ने के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं चाहिए, जितने भी चार्ज हैं उनको उठाओ और जोड़ दो जो आपने फर्स्ट सेकंड क्लास से सीखा है। दूसरा आते हैं क्वांटाइजेशन पे, जैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, पेपर में मिल सकता है आपको एक नंबर में इसका कोई क्वेश्चन, या इसको यूज करते हुए कोई अच्छा भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वांटाइजेशन क्या है जरा समझ लेते हैं इस बात को। दो तरह की क्वांटिटी होती है, क्वांटाइज्ड और एक कंटीन्यूअस। मान के चलो कि मैं आपको पैसे देने शुरू करता हूं, आप ही हो, आप मेरे सामने बैठे हो ना, और मैं आपको ऐसे पैसे देने शुरू करता हूं। आपके पास अभी कोई रुपए नहीं है, आपके पास अमाउंट कितना है? जीरो। मैंने आपको दिया एक दस का नोट, फिर एक दस का दिया, 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 टोटल पांच नोट दे दिए मैंने आपको। तो आपका जो अमाउंट है, आपका जो वर्थ है, आपके पास कितना पैसा था, वो जीरो से लेकर पचास तक पहुंच गया। लेकिन क्या आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है जीरो से पचास के बीच में? क्या आपके पास पांच रुपए हो सकते हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे? नहीं। बारह हो सकते हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे? नहीं। अट्ठाईस? नहीं। आपके पास हमेशा टेन के मल्टीपल्स होंगे। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास दस हो सकते हैं, बीस हो सकते हैं, तीस हो सकते हैं, चालीस हो सकते हैं, पचास हो सकते हैं। ये जो चेंज है ये क्वांटाइज्ड है। क्या है? क्वांटाइज्ड है। लेकिन मान के चलिए टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं रूम का, हमने जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाया, तो 25 से 30 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। या मान के चलो ये वीडियो जो है वो हम लोग 20 मिनट की बना रहे हैं, तो 0 से 20 मिनट के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। 17 मिनट 18 सेकंड 3 माइक्रो सेकंड 6 नैनो सेकंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी होता है? क्वांटाइज्ड। क्यों होता है भाई? बहुत आसान कहानी भाई। चार्ज कैसे आता था बताओ जरा। इधर से इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितना चार्ज ले गया? 1.6 × 10⁻¹⁹। इधर से 1.6 × 10⁻¹⁹ भरा और उधर जाके छोड़ दिया। दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, उसने भी इतना भरा, छोड़ दिया। एक आया इतना, दो आया इतना, तीन आया इतना, चार आया इतना, पांच आया इतना, छह आया इतना। क्या इनके बीच में कोई वैल्यू मिल सकती है? नॉट पॉसिबल। इसका मतलब चार्ज कैसी क्वांटिटी हुआ? क्वांटाइज्ड। कैसी क्वांटिटी हुआ? क्वांटाइज्ड। अब किसी बॉडी पर कितना चार्ज है निकालना हो तो हमें क्या ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, क्यू इज इक्वल टू एनी। क्वांटाइजेशन से फॉर्मूला हमने निकाला, क्यू क्या है बॉडी पर कितना चार्ज है, एन क्या है बॉडी पर एक्सेस पार्टिकल एक्सेस चार्ज कितना है, एक्सेस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने हैं। जैसे किसी बॉडी पर 6 एक्स्ट्रा चार्ज पार्टिकल्स हैं, कौन से, इलेक्ट्रॉन मान लो, तो उस पर टोटल चार्ज कितना है, 6 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब माइनस में। बात समझ में आ चुकी है, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं। आ जाते हैं तीसरी बात, तीसरी प्रॉपर्टी है भाई कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऐसे है ना एकदम, इसका जो सीधा सा फंडा है टेबल टू करा लेना कहीं बात का, कि कंजर्वेशन जब जब जहां जहां आए एक ही बात छाप देनी है, वो क्या है, नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। चार्ज एक कंजर्व क्वांटिटी होती है, ना तो आप इसको क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। इस पूरे वर्ल्ड में जितना चार्ज है वो कांस्टेंट है। जैसे ग्लास रोड पर जब हम लोग चार्ज डेवलप कर रहे थे, मान के चलो मैंने ग्लास को रगड़ा था, स्टिक के साथ रगड़ा, उस पर चार्ज आया, लेट्स से कि ग्लास पर पॉजिटिव आया, तो सिल्क पर कैसा आ गया, नेगेटिव। नेट चार्ज अभी भी कितना, जीरो। कितना, जीरो। आपने कंघा रगड़ा बालों में, कंघे पर मान लो माइनस आया, बालों पर कितना आया, प्लस आया। क्या समझे बात को? तो चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इतनी सी बात है कि तीन प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक चार्ज की हमारी हुई समाप्त। भाई अभी तक आपने जान लिया कि दो चार्जेस होंगे तो फोर्स लगाएंगे, आपने जान लिया प्लस प्लस होंगे तो रिपल्सिव नेचर की लगाएंगे, माइनस माइनस होंगे तो रिपल्सिव नेचर की लगाएंगे, और एक प्लस और एक माइनस होगा तो अट्रैक्टिव नेचर की लगाएंगे। अब सवाल यह है कि लगाएगा कितनी लगेगी, पता लग गया अट्रैक्शन लगेगी रिपल्सिव लगेगी, तो कितनी लगेगी उसको निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा लॉ है, कूलम्स लॉ। नाम सुना सुना सा लग रहा है, हाँ अभी तो बात करी थी इसके बारे में, कूलम्ब चार्ज की यूनिट। तो कूलम्ब साहब ने एक छोटा सा लॉ बना के दिया जिससे आप ये पता कर सकते हो कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितनी लगेगी। और बड़ी मस्त बात यह है कि इन्होंने कोई नई थ्योरी, कोई नया फंडा नहीं लगाया, न्यूटन की मेहनत थी। एक याद हो तो आपको ग्रेविटी की क्लास 11 की, न्यूटन ने एक फॉर्मूला बना के दे रखा था दुनिया को, भाई साहब यदि आपके पास दो मास ऑब्जेक्ट है ना M1 और M2 और इनके बीच में सेपरेशन है R, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो F = gm1m2/r² लगेगी मुन्ना। इससे पुराना फॉर्मूला नहीं है फिजिक्स में
ये कह सकते हैं हम लोग F is equal to G M1 M2 upon R square. दो पॉइंट मासेस उनके बीच की दूरी है R. इसी फॉर्मूले की तर्ज पर इन्होंने अपना फॉर्मूला बना दिया. इन्होंने बोला कि मान के चलिए आपके पास दो पॉइंट चार्ज है, एक है Q1 और एक है Q2. पॉइंट चार्ज पता है ना क्या? अरे यार, पॉइंट का मतलब है मेरे भाई कि यदि किसी दो ऑब्जेक्ट हैं उनका साइज मैटर नहीं करता हो उनके बीच की दूरी के सामने. मैं मान लो 5 फुट 9 इंच का आदमी, यदि आपको 5 फुट 9 इंच का दिखा देता हूँ 6 फिट के डिस्टेंस से, 60 माले की बिल्डिंग पर खड़े होंगे मुझे देखोगे तो मैं पॉइंट जैसा कह दूंगा ना यार, क्योंकि हमारे बीच की दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ने से मेरा साइज मैटर नहीं करा, तो मैं कैसा कंसीडर किया आपने पॉइंट चार्ज की तरह. तो पॉइंट चार्ज का मतलब है कि सेपरेशन क्या हो, साइज के मुकाबले बहुत बड़ी हो तो साइज मैटर नहीं करता. तो Q1 Q2 हमारे दो पॉइंट चार्ज है और उनके बीच में सेपरेशन है R. कितने भाई? R. तो इनके बीच में जो फोर्स लगने वाली है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस. F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2. हाँ, याद है, ताजा हो रही है ना, इधर से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चलो इसी के हिसाब से चलाएंगे बिल्कुल. दूसरी बात यह है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r2, और यू कैन से F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r2. अब क्या करना है अपने को, ये दो इक्वेशन पढ़िए भाई, दोनों को कंबाइन करो, हमारे पास आया F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r2. F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r2. अब एक बार आप अपने पल्लू से गांठ मार के रख लीजिएगा कि भाई प्रोपोर्शनलिटी जहां होती है उसको हटाओ, इक्वल के साइन से रिप्लेस करो तो एक कांस्टेंट आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है. तो हमारा यहां पर कांस्टेंट आएगा, जैसे देखो यहां पर आया था ना, इसका कांस्टेंट आया था क्या G प्रोपोर्शनलिटी का, यहां पर कांस्टेंट आएगा K, से डिनोट कर लेते हैं F is equal to K Q1 Q2 upon R2. अब देखो ऐसा है ना, बिल्कुल ऐसे लेते हैं ना, इधर है M1 M2, इधर क्या है Q1 Q2, इधर भी R2, इधर भी R2, इधर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है G, इधर एक कांस्टेंट है K. बात समझ में आ गई? बिल्कुल इसी तरह से बनाया फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला किसका बन गया, दो चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स लगेगी, और कौन से चार्जेस, पकड़ के रखना बात को, पॉइंट चार्जेस. कौन से चार्जेस? पॉइंट चार्जेस. अब देखो जरा बात क्या है समझने की, हमने देख लिया कि सिमिलरिटी क्या है इनमें, वहां सोर्सेस है मास, यहां सोर्सेस है चार्ज, वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता, वहां पर भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यहां पर भी, लेकिन वहां वाली फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की होती है, यहां अट्रैक्टिव या रिपल्सिव कोई भी हो सकती है, सेम चार्ज होंगे तो रिपल्सिव, ऑपोजिट होंगे तो अट्रैक्टिव. ये वाला कांस्टेंट जो है, ये वाला यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बदलती नहीं है, ये वाला यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू मीडियम टू मीडियम बदलती है. यदि दो चार्ज हवा में रखूं एक आर सेपरेशन पर तो फोर्स आएगी एक, उन्हीं चार्जेस को उसी सेपरेशन से पानी में रख दूं तो अलग फोर्स आएगी, ठीक है. इसका मतलब इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, मीडियम पर, कि भाई साहब इन दोनों के बीच में रखा क्या है. तो यदि मैं इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं रखता हूं, यानी कि फ्री स्पेस छोड़ देता हूं, तो इस फॉर्मूले को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, F is equal to 1/4, सुनिएगा जरा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r2. ये क्या है भाई, नया आया ना, एप्सिलॉन एप्साइलन बहुत सारे नाम से बोलते हैं लोग टीचर, मैं तो जब 12th में तो मुझे समझ ही नहीं आता क्या बोलते हैं इसको टीचर्स, एप्साइलेंट नोट एप्साइलन नोट क्या समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने थोड़ा सा ऐसे बड़ा सा हुआ तो समझा, फिर एप्सिलॉन भी बोला जाता है एप्साइलन भी बोला जाता है, तो एप्साइलन से आप याद कर सकते हैं, एप्साइलन या एप्साइलन नोट क्या है जरा जान लेते हैं. एप्साइलन यानी कि परमिटिविटी, क्या है ये भाई, परमिटिविटी नाम से समझ में आता है समथिंग रिलेटेड टू परमिशन. मान के चलिए आप एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और वहां पर एक इन्विजिलेटर है, अब आपके रूम में कितनी चीटिंग हो सकती है, कितना आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि वो इन्विजिलेटर जो है आपको कितना अलाउ करता है एक दूसरे से बात करने के लिए. मान के चलो कोई टीचर ऐसा हो सकता है जो आपको गर्दन भी हिलाने नहीं देगा है, और कोई ऐसा हो सकता है जो छोटे मोटे को इग्नोर कर देगा, कोई ऐसा हो सकता है भाई जो ऐसे एक फीमेल इन्विजिलेटर भी होगी उसके साथ में लगा हुआ होगा, है कि नहीं वहां, तो उसमें आपके मजे आ जाएंगे. तो सवाल ये है कि टीचर टू टीचर वेरी करा कि आपके पास
कितना कितना फ्रीडम है एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का। सिमिलरली यदि चार्जेस को एक दूसरे पर फोर्स लगानी है तो ये स्पेस, ये इनके बीच का मीडियम कितना अलाउ करता है इन दोनों को एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का। हवा अलग इंटरेक्ट, हवा का अलग सीन होगा क्योंकि हवा के पार्टिकल अलग तरीके से हैं। मान के चलो पानी होगा तो पानी का अलग सीन होगा, पानी के पार्टिकल अलग तरीके से हैं। इसके बीच में कोई मैं मटीरियल ही भर दूं, कोई सॉलिड मटीरियल भर दूं तो अलग कहानी होगी। केजरीवाल फांसी। तो ये परमिटिविटी होती है, ये जो मैंने परमिटिविटी लिखी है आपसे लॉन्ग नोट, ये लिखी है फ्री स्पेस की। और यदि फ्री स्पेस की परमिटिविटी की वैल्यू रख देता हूं तो इस सारे कांस्टेंट की एक वैल्यू आ जाती है। आई एम राइटिंग दिस हियर, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इनटू 10 टू द पावर 9। यूनिट की बात करो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। यदि बोर्ड विजिबल भी ना हो ये वैल्यू तो लिख लीजिएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। और पूरे कांस्टेंट की के की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ऑल्दो ये सारी वैल्यूज आपको आपके पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आपकी सुविधा के लिए दी हुई होती है, तो याद करो ना करो लेकिन कोई बड़ी बात तो है नहीं, याद आसानी से कर सकते। इन टोटल यदि मैं सारी बातों को खत्म करें, एक छोटी सी बात आपके सामने यहां पर लिख दूं कि भैया दो चार्ज के बीच में फोर्स कितनी लगेगी, K Q1 Q2 upon R square। आपका काम सच। या मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और एक्सपेंड करके K को कुछ इस तरीके से दिखा दूं तो ये भी चल सकता है। ये फॉर्मूला बना हुआ है दो चार्जेस के बीच में फोर्स का, जब उनके बीच में क्या होगा, फ्री स्पेस। कोई और मीडियम आ जाए तो क्या, कोई और मीडियम आ जाए तो क्या, कोई दिक्कत नहीं। कोई और मीडियम आ जाएगा तो भी क्या परेशानी, कोई परेशानी नहीं आएगी। कोई और मीडियम आ गया यदि, कोई और मीडियम आ गया यदि, कोई और मीडियम आ गया यदि, तो 1/4 एप्सिलॉन ऑफ दैट मीडियम, उस मीडियम की परमिटिविटी वैल्यू डालो इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समझे भाई, कोई दिक्कत इसमें। अब कैसे पता करेंगे कि अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है, सिंपल सी बात है, Q1 Q2 का साइन आपको पता होगा, रिपल्सिव रिपल्सिव अट्रैक्टिव। अमूमन तौर पर इस फॉर्मूले में हम लोग साइन नहीं लेते। मान के चलिए आपके पास एक 5 माइक्रोकूलम प्लस है और एक माइनस 5 माइक्रोकूलम है, इनके बीच में आपको फोर्स निकालनी है तो आपको यहां पर साइन लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या आप साइन लेना चाहते हैं तो भाई ये ध्यान रखिएगा कि इन द एंड रिजल्ट यदि प्लस आया तो रिपल्सिव और माइनस आया तो अट्रैक्टिव। सिंपल सी कहानी। ये कूलम्ब्स लॉ हो गया आपका, ये कूलम्ब्स लॉ हो गया नॉर्मल मैग्नीट्यूड की बात की। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो अब कूलम्ब्स लॉ को हम लोग देखेंगे वेक्टर फॉर्म में। किसमें देखेंगे भाई, वेक्टर फॉर्म में। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर यानी क्या, डायरेक्शन की बात होंगी। किसकी बात होगी मुन्ना, डायरेक्शन की। पेपर में ये टॉपिक आ जाता है कई बार, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरा ध्यान से। ये वही दो चार्ज लिए मैंने Q1 और Q2, इनके बीच में सेपरेशन ले ली आप। 1-2 पर एक फोर्स लगा रहा, मान के चलो दोनों प्लस है तो ये लगा रहा इधर को F on 2 ड्यू टू 1-2 पर जो 1 ने लगाई, फिर 2 भी 1 पर लगा रहा भाई F on 1 ड्यू टू 2। अब देखो जरा दोनों की डायरेक्शन पता लग गई। चलो अब यहां F12 बताओ कितना है, F12 है K Q1 Q2 upon R square। डायरेक्शन की बात करें तो किधर को लग रही है, देखो 2 से 1 की तरफ लग रही है, तो 2 से 1 की तरफ यूनिट वेक्टर, ठीक है, एक क्लास 11 के थोड़े बेसिक है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है। सिंपल सी बात ध्यान रखो, 1-2 जो है किधर से किधर लग रही, 2 से 1 लग रही, तो क्या लिखा R21। अब देखो F21 कितना हो गया भाई, K Q1 Q2 upon R square। मैग्नीट्यूड में तो घंटा कुछ नहीं बदला है। यहां देखो ये किधर को लग रही भाई, 1 से 2 की तरफ लग रही, किधर लग रही, 1 से 2 की तरफ, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बताओ R12 और R21 क्या कोई अलग अलग चीज है, मैग्नीट्यूड में बात करें तो सेम ही तो है, इस आर डिस्टेंस की तो बात कर रहे हैं, अंतर क्या है, डायरेक्शन का अंतर है। R12 मान के चलो इधर को है और R21 इधर को है, तो मैं एक सिंपल सी बात यहां पर लिख सकता हूं कि R12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21, लिख सकता है बात। अब ये वैल्यू मुझे यहां पर यूज करनी है, इस वाले फॉर्मूले में
मैं क्या करता हूं देखो जरा इधर ही रब कर दूं, चलो देख लेता हूं। इस वाले फॉर्मूले में मैं लिख देता हूं k q1 q2 upon r square और r12 की जगह पर मैंने लिख दिया माइनस का r21। ठीक है भाई, पकड़ना जरा बात को। इधर मैंने लिया है माइनस का साइन बाहर, मेरे पास बचा k q1 q2 upon r square r21। ये पहचानो क्या है, ये है क्या f12, यानी कि ये मेरा जो f21 था वो बन गया माइनस का f12। मजे आ गए, याद है ताजा होगी कक्षा में आ रहा थी कौन सी, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यही है सिग्निफिकेंस ऑफ कोलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कि ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ओबे करता मुन्ना। और दूसरी बात क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कि ये जो फोर्स लग रही है ना भाई, ये सेपरेशन के लॉ लग रही है। देखो ग्रेविटी भी सेपरेशन के लॉ लगती है और ये फोर्स भी सेपरेशन के लॉ लग रही है। ये जो लाइन है ना इनके बीच में जो दूरी है इसी के लॉ लग रही है। मैग्नेटिक फील्ड में आप उल्टी कहानी देखोगे, याद होगा कक्षा 10 में ऐसे हाथ करे घूमते थे तुम, फील्ड इधर को फोर्स इधर को, ठीक है, वहां दो दो के बीच में जो चार दो मान के चलो जो सोर्स होगी उनके बीच में सेपरेशन होगी, उसके लॉन्ग में लगेगी फोर्स परपेंडिकुलर लगेगी, यहां लॉन्ग लग रही। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से दो रिजल्ट आए, नंबर एक न्यूटन सर लॉ को फॉलो करता है भाई, नंबर दो सेपरेशन के अलॉन्ग। ठीक होगी बात। अब अपने पास जो अगला टॉपिक यहां पर होगा वो होगा रिलेटिव परमिटिविटी। ये इस सेगमेंट का मैं यूं कह सकता हूं कि लास्ट टॉपिक होगा रिलेटिव परमिटिविटी। नहीं नहीं, एक टॉपिक और बचा होगा अभी, एक और बचा। पहले रिलेटिव परमिटिविटी देखो, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि लाइन छोटी है या बड़ी, छोटी या बड़ी है? कैसे बता दोगे छोटी बड़ी, अब ये छोटी है अब ये बड़ी है, यानी कि इस लाइन का छोटा या बड़ा होना हम लोग तभी डिसाइड कर सकते हैं जब हमारे पास कंपैरिजन में रिलेशन में कुछ हो जिसके साथ हमें ये रिलेट करना है, समझे बात को। तो रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब ये है कि आप किसी की परमिटिविटी किसी स्टैंडर्ड के साथ रिलेट करने वाले हो। रिलेटिव डेंसिटी आपने पढ़ रखी है, टेंथ में आपने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ा था, सब जगह आप किसी एक क्वांटिटी को किसी दूसरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करते हो। जैसे रिलेटिव डेंसिटी में आप किसी भी मीडियम की डेंसिटी पानी के साथ कंपेयर करते हो, यहां पर आप किसी भी मीडियम की परमिटिविटी यदि कंपेयर करते हो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ में तो उसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। एक नाम और दिया गया इसको, दूसरा नाम दिया गया है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इसकी चर्चा होगी चैप्टर नंबर दो में अच्छे खासे डिटेल से, वहीं पर ज्यादा अच्छे से बताऊंगा इसके बारे में। फिलहाल रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से याद करो और ये ध्यान रखो कि भाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी यही होता है। तो देखो जरा क्या करना है हमें यहां पर, ER ये सिंबल हुआ रिलेटिव परमिटिविटी का, किसका, रिलेटिव परमिटिविटी का, लिख देता हूं इधर, लिखा हुआ पता नहीं समझ में आ रहा हुआ या नहीं भाई, पहले लेक्चर में समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई तो 6-7-8-10-15 लेक्चर बाद आने लगेगा, 7 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, हर साल का सीन यही है। अब ये देखो एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट जो भी बोल रहे हो, तो ये परमिटिविटी है किसकी, फ्री स्पेस की, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और तीसरा हो गया एप्सिलॉन या कोई मीडियम भी लिख सकता हूं मैं यहां पर, पानी वानी हवा जो भी है, एप्सिलॉन ऑफ एनी मीडियम, तो ये हो गया परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा या अब देखो जरा एप्सिलॉन आर जो होगा वो होगा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये है मेरा स्टैंडर्ड जिसके साथ आप किसी भी मीडियम की परमिटिविटी कंपेयर कर दो, ऐसे रेशियो निकालने का, तो ये क्या बन जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। या फिर डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के टर्म्स में आप देखो सिंबल होता के, के इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास यहां पर एप्सिलॉन ऑफ एनी मीडियम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई। अब एक फॉर्मूला हमने भी बनाया था कुछ टाइम पहले, इसको नोट कर लेना, इसको करना स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी करना हो कर लेना, बाकी बेहतर ये है भाई, थोड़ा पेन कॉपी लेके बैठोगे ना तो नींद नहीं आएगी।
नोट कर लेना, बाकी बेहतर ये होगा भाई पेन कॉपी लेके बैठो, अच्छा रहेगा, मजा आएगा। बाकी देखो जरा, मैंने बोला था कि हवा में फ्री स्पेस में मैंने दो चार्ज रखे, उनके बीच में फोर्स आएगी, ये 1/4πε0Q1Q2r2। इन्हीं चार्जेस को इसी सेपरेशन के साथ किसी और मीडियम में डाल दिया, ये फ्री स्पेस वाला था, एफ नॉट वाला, किसी और मीडियम में डाल दिया, तो 1/4πε0Q1Q2r2। ठीक भाई, अब जरा इस वाले फॉर्मूले को यहां से देखो, एप्सिलॉन ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट, देख रहे हैं यहां से, या फिर आप बोल सकते हो एप्सिलॉन ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एंड एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर मैंने क्या कर दिया, यहां से वैल्यू उठाई 1/4π के एप्सिलॉन नॉट, बेसिक मैथ्स भाई, epsilon of any medium is equal to k epsilon naught into q1 q2 upon r square। ये क्या हो गया, force between any medium, इधर से k को जरा एक सेकंड के लिए बाहर लाना यार, और देखना जरा ये क्या बन गया भाई, ये बन गया f naught, यानी कि f in any medium is equal to f naught upon k। भाई हर मटेरियल का ना, हर एक मीडियम का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो आप क्या करोगे, आपको फ्री स्पेस में पता होगी मान के चलिए एफ नॉट, जब आपने मीडियम चेंज करा तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता होगा, उस फोर्स को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, आपके पास फोर्स आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर दो चार्ज है कोई भी, उनके बीच में कोई एक दूरी है फिक्स कर लो आर मान, और वहां पर फोर्स लग रही 800 न्यूटन, कब, जब वो फ्री स्पेस में रखे, यदि मैं उनको पानी में ले जाके रख दो, किधर रख दो, पानी में, तो पानी में डायरेक्टली कॉन्स्टेंट कितना होता है, 80 होता है, मैं बता रहा हूं आपको कितना होता है 80। तो आपको क्या करना है, पानी में कितनी फोर्स लगेगी भाई, ये डिवाइड कर दो, 10 न्यूटन लगेगी, पानी में कितनी फोर्स लगेगी उन्हीं चार्जेस के बीच में उसी सेपरेशन से, 10। तो कुछ ऐसे काम करता है डायरेक्टली कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का कॉन्सेप्ट, यानी कि आपके पास के कॉन्स्टेंट यदि किसी मीडियम के अवेलेबल है, और आपको यह भी पता है भाई फ्री स्पेस में कितनी फोर्स लग रही थी, उस मीडियम में फोर्स निकालनी है, तो उस केस से डिवाइड, ठीक हो बात, न्यूमेरिकल जब करेंगे तो आप लोग देखेंगे इस पर कैसे काम करते हैं। अब बात करेंगे लास्ट टॉपिक की, पहला सेगमेंट, पहला लेक्चर और लास्ट सेगमेंट, जाने का नहीं, नहीं इधर ही बैठेंगे, समझ सकता हूं कि हो सकता है गर्लफ्रेंड का मैसेज आ गया, हो सकता है पोटी आई किसी, हग लेना भाई, हग लेना, इधर थोड़ा सा देख लेते हैं ना, लास्ट टॉपिक, खाना खाने तो नहीं जाना था, मूड खराब हो गया कभी तुम्हारा, कोई बात नहीं, कभी मूड खराब कभी अच्छा, ये तो जिंदगी का दस्तूर है, है भाई। देखो भाई लास्ट टॉपिक, सुपरपोजिशन थ्योरम, सुना सुना सा लग रहा है, सुना था, ग्रेविटेशन चैप्टर, ग्रेविटी के चैप्टर में, क्लास 11 चैप्टर नंबर 8, वहां हमने क्या जाना था कि मान के चलिए दो मास है, उनके बीच में फोर्स लगेगी, न्यूटन फॉर्मूले से F = gm1 m2 / r2। यदि कोई तीसरा मास आ जाए तो क्या उन दो के बीच में लगने वाली फोर्स डिस्टर्ब हो जाएगी, बदल जाएगी, नहीं भाई, मान के चलो कि ये दो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, इनके बीच में एक फोर्स लग रही है, ठीक है, कुछ भी मान लो, हमने अपने आप अज्यूम कर लो 5, 10, 15, 20, 30, कोई तीसरा आ गया, कोई तीसरा आ गया तो क्या उस पर वही फोर्स, ये वाली फोर्स बदल जाएगा, जैसे मैं आपको एक तरीके से समझा रहा हूं, खड़े हो गया ना भाई, खड़े हो गया, दोनों अभी देखो, ये सुमित चौहान है, 10th क्लास के पेपर दे रहे हैं, 11th में आ जाएंगे, ये पीयूष त्यागी, मान के चलिए कि ये पीयूष त्यागी के हाथ पर ये सुमित चौहान जी एक फोर्स लगा रहे हैं अभी 5 न्यूटन की, ऐसे थोड़ा दबा के चला सकते हैं ना, और मैं आता हूं, मैंने इधर आके 3 न्यूटन की लगानी शुरू कर दी, तो मुझे ये बताइए क्या इनका 5 न्यूटन बदल गया, क्या मेरे आने से इसका 5 न्यूटन पर कोई फर्क पड़ा, नहीं, हाँ इस पर जो टोटल लग रही है वो बदल गई, मान के चलो इसने 5 न्यूटन नीचे लगाई थी और मैंने 3 न्यूटन ऊपर लगा दी, तो इस पर नेट फोर्स लग रही है 2 न्यूटन नीचे की तरफ, लेकिन इसकी तो 5 नहीं बदली ना, जाओ जाओ, थैंक यू, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो कुल मिला के बात यह है कि यदि मेरे पास दो चार्जेस है Q1 Q2, इनके बीच में फोर्स लग रही है, और कोई तीसरा चार्ज आ गया Q3,
क्या इनके बीच में लगने वाली फोर्स Q3 के आने से बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। और इनके बीच में जो लगती है क्या Q4 के आने से बदल जाएगी? नहीं। Q5 के आने से? घंटा किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज अनऑल्टर्ड, डिसअप नहीं होती विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी अदर चार्ज इन द विसिनिटी। I repeat my sentence. Force between two charges is not disturbed by the introduction of any other charge in the vicinity. दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स किसी तीसरे चौथे पांचवे के आने से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता उसको। पहली बात। दूसरी बात, किसी एक चार्ज पर लगने वाली नेट फोर्स सारी इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होगी। समझना कैसे? मान के चलो Q1 पे देखना चाह रहा मैं कि Q1 पर टोटल कितनी फोर्स लग रही है, तो Q2 ने लगाई Q1 पर कितनी? F on 1 due to 2, इसकी एक डायरेक्शन हो सकती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। Q3 ने लगाई है Q1 पर, तो ये लगी F on 1 due to 3, 4 ने लगाई, ये लगी F on 1 due to 4, 5 ने लगाई F on 1 due to 5, and so on, nth ने लगाई। इन सब का वेक्टर सम करना है बाबू। क्या करना है? वेक्टर सम करना है। क्या आ जाएगा? नेट फोर्स आ जाएगी कि Q1 पर कितनी लग रही है। और ऐसा इसीलिए कर पाया क्योंकि ये वाली फोर्स इसके आने से इफेक्ट नहीं हुई, या ये वाली फोर्स इनके किसी के आने से इफेक्ट नहीं। समझ में आई बात? तो दिस इज ऑल अबाउट सुपरपोजिशन थ्योरम। दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स डिस्टर्ब नहीं होती तीसरे के आने से, और किसी एक पॉइंट पर लगने वाली, किसी एक चार्ज पर लगने वाली टोटल फोर्स निकालनी हो तो सारी इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम कर दो। अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल पोर्शन में पहले जो क्वेश्चंस होंगे वो सुपरपोजिशन पर होंगे। यदि आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो आपके इंटेक्स क्वेश्चन में भी आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे, बाकी एक्सरसाइज में तो आपको दिखाई देंगे। मान के चलिए कि मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये बना लिया, इसके हर एक वर्टेक्स पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू वन Q2, Q3, डिफरेंट मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और मैंने इसके सेंट्रोइड पर एक चार्ज रख दिया कैपिटल Q। इस पर आपको नेट फोर्स निकालनी है। क्या करना पड़ेगा? Q1 से निकालो इस पर कितनी लग रही, मान के चलो दोनों प्लस है, इधर को लग रही है। Q3 से निकालो इस पर कितनी लग रही, मान लो Q3 भी प्लस है तो उसकी इधर को लग रही, सेपरेशन के लोग। Q2 भी मान लो Q पर क्या लगे, Q2 भी प्लस है, Q तो प्लस है। अब ये तीन फोर्सेस हो गई, ये हो गई, इस पॉइंट को आप नाम दे दो A, इसको B, इसको C, इस पॉइंट को आप नाम दे दो O। तो ये वाली फोर्स होगी F on O due to A, ये वाली फोर्स होगी F on O due to B, और ये वाली फोर्स होगी F on O due to C। आपको क्या करना है? नेट फोर्स निकालनी है OP। क्या करना पड़ेगा? OA, OB, OC, वेक्टर्स। जब वैल्यूज आएंगी यहां पर जो न्यूमेरिकल फिगर्स में दूंगा तो आपको फिर सारी चीजें बताऊंगी। आप ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, भाई की इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप ये एंगल भी निकाल सकते हैं, 30 हो गया, 30 हो गया, 120 हो गया, ये 120 हो गया तो ये 120 हो गया, इन दो के बीच में 120 हो गया। वेक्टर रिजल्ट का फॉर्मूला पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। थीटा भी पता होगा, दो फोर्स भी पता होगी, रिजल्ट निकलेगा। इसके रिजल्ट से फिर तीसरी को कर देना, ठीक है, टोटल रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन करेंगे इसके न्यूमेरिकल वाली वीडियो में। अभी हमारा एक कॉन्सेप्ट का खेल होता है समाप्त। होपफुली आपको इसमें अच्छा खासा मजा आया होगा। एक बार वीडियो को आप फास्ट मोड में भी देख लेना, ठीक है, लंबी बन गई होगी होपफुली, लेकिन यदि कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं भाई तो टाइम तो देना पड़ेगा, समझे। आप यहाँ टाइम दोगे तो आपका जिंदगी में आगे टाइम बच जाएगा, समझो मेरी बात को, है ना। फिर मिलते हैं अपन अगली किसी अगली वीडियो में, और अगली वीडियो आएगी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके। फील्ड अपने आप में एक मजेदार कहानी है, उसके बारे में समझते हैं, क्योंकि अभी तक हमें पता था कि फोर्स सिर्फ कॉन्टैक्ट से लगती है, लेकिन फील्ड बताएगा कि बिना टच करे भी फोर्स लग सकती है। मिलते हैं फिर।